हमको ते तो सिखा चले जाना। सो व्यूवर्स, आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को सिखाऊंगी कि कैसे आप इस टाइप की सेड वाली लिरिक्स स्टेटस वीडियो को बना सकते हो। तो इस टाइप की लिरिक्स वीडियो को बनाना जो है बहुत इजी है। तो इसको बनाने के लिए जो है आपको इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना होगा, एंड अगर आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना होगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग को वीडियो बनाने के लिए VN ऐप को ओपन करना है, प्लस पे टैप करना है, न्यू प्रोजेक्ट पे आप लोग को टैप करना है, एंड अपनी गैलरी से एको सेड वाला फ़ोटो को आप लोग को सिलेक्ट कर लेना है। तो मैं एक सेड वाला फ़ोटो को सिलेक्ट कर लेता हूँ। मैंने अपना सेड वाला फ़ोटो को सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद आप लोग को इस प्रकार से ऐसे आगे आ जाना है, एंड ये ब्लैक वाला वाटर मार्क जो है इसको डिलीट कर देना है, एंड फोटो का ड्यूरेशन को आपको थोड़ा सा बढ़ा लेना है। कम से कम आप लोग इसे 10 या 20 सेकेंड तक बढ़ा लेना। तो मैं रिकमेंड करूँगा इसे आप लोग 20 सेकेंड तक जो है अपने फ़ोटो को बढ़ा लेना। एंड उसके बाद जो है आप लोग को ऊपर ओरिजिनल पे टैप करना है, एंड 9:16 को आप लोग को सिलेक्ट कर लेना है। एंड उसके बाद आप लोग को कुछ इस प्रकार से ऐसे आगे आ जाना है, एंड अपना फ़ोटो को जो है आपको इस प्रकार से नीचे ऐसे एडजस्ट कर लेना है। तो मैं अपना फ़ोटो को ऐसे नीचे एडजस्ट कर लेता हूँ, एंड उसके बाद जो है आपको इसमें एगो फ़ोटो को ऐड करना है। तो उसके लिए आप लोगों को थर्ड वाले पे क्लिक करना है, वीडियोज़ और फ़ोटो पे क्लिक करना, एंड जिस फ़ोटो से आप स्टेटस बनाना चाहते हो उस फ़ोटो को जो है आप लोग को सिलेक्ट कर लेना है। तो मैं उस फ़ोटो को तुरंत सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो व्यूअर, मैंने इस फ़ोटो को सिलेक्ट कर लिया है। तो फ़ोटो को सिलेक्ट करने के बाद जो है आप लोग को इसको इस तरह से आप लोग को इसे बड़ा करना है, अच्छे से इसको स्क्रीन में एडजस्ट कर लेना है। तो मैं अच्छे से इसको स्क्रीन में एडजस्ट कर लेता हूँ, एंड उसके बाद जो है आप लोग को नीचे टूल को स्लाइड करना है, एंड इस फोटो में हम लोग को फेड इफेक्ट को डालना है। तो उसके लिए जो है आपको टूल को स्लाइड करके आप लोग को जाना है यहाँ पे मास्क पे क्लिक करना है, एंड फर्स्ट वाला जो लीनियर लिखा हुआ है उसको आप लोग को दो बार टैप करना है। दो बार टैप करने के बाद जो है आप लोग को कुछ इस प्रकार से ऐसे नीचे ऐसे स्लाइड करना है, एंड आप लोग को जो है ये एरो दिख रहा होगा नीचे, आप लोग को इसको ऐसे खींचना है, तो जिससे हमारा फ़ोटो जो है थोड़ा सा फेड लगेगा। तो मैंने फ़ोटो को फेड कर लिया है। उसके बाद जो है आप लोग को राइट पे क्लिक कर देना है, एंड आपने जो फ़ोटो को ऐड किया है उसको आपको इस क्लिप को जो है वीडियो के एंड तक कर देना है। तो मैं वीडियो के एंड तक कर देता हूँ। तो मैंने इस वीडियो ये क्लिप कुछ फ़ोटो को जो है वीडियो के एंड तक कर दिया है, एंड उसके बाद जो है हमें इसमें एगो लिरिक्स वीडियो को ऐड करना है। तो लिरिक्स वीडियो को ऐड करने के लिए जो है आप लोग को यहाँ थर्ड वाले पे आप लोग को क्लिक करना है, वीडियोज़ और फोटोज़ पे आप लोग को क्लिक करना है, एंड गैलरी से जो है अपना लिरिक्स वीडियो को आप लोग को सिलेक्ट कर लेना है। तो मैं लिरिक्स वीडियो को सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो व्यूअर, मैंने लिरिक्स वीडियो को जो है सिलेक्ट कर लिया है, एंड उसके बाद जो है आप लोग को कुछ इस प्रकार से इसको एडजस्ट करना है, इसको बड़ा करना है। तो व्यूअर, मैंने इसे बड़ा कर लिया है, एंड उसके बाद जो है आप लोग को ये ब्लैक स्क्रीन को हटाना है। तो ब्लैक स्क्रीन को हटाने के लिए आप लोग को नीचे ब्लेंडिंग पे क्लिक करना है, एंड आप लोग को यहाँ पे स्क्रीन को सिलेक्ट करना है। तो मैंने स्क्रीन को सिलेक्ट कर लिया है, एंड आप लोग को राइट के मार्क पे क्लिक कर देना है, एंड उसके बाद जो है आपको इस वीडियो में पार्टिकल इफेक्ट को ऐड करना है। तो पार्टिकल इफेक्ट को ऐड करने के लिए आप लोग को थर्ड वाल पे क्लिक करना है, वीडियोज़ और फोटोज़ पे जाना है, एंड ये वाला जो पार्टिकल इफेक्ट है इसको आप लोग को सिलेक्ट कर लेना है। एंड सिलेक्ट करने के बाद जो है आपको इस प्रकार से इसको रोटेट करना है ऐसे, एंड इसको थोड़ा सा जूम कर लेना है, एंड उसके बाद आप लोग को जाना है ब्लेंडिंग पे, एंड इसको स्क्रीन कर देना है। तो मैं इसको स्क्रीन कर देता हूँ, एंड मैं इस वीडियो में जितने भी मटेरियल का यूज़ करूँगा आप लोग को मेरे सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। सो वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लेना। उसके बाद आप लोग को राइट पर क्लिक करना है, एंड कुछ प्रकार से ऐसे आगे आ जाना है, मतलब कि पूरे वीडियो तक आगे आ जाना है। आगे आने के बाद जो है आप लोग को यहाँ पे उसके बाद फिर से आप लोग को पार्टिकल इफेक्ट को ऐड करना है। तो पार्टिकल इफेक्ट को ऐड करने के लिए जो है आप लोग को फिर से थर्ड वाला पे क्लिक करना, वीडियोज़ और फोटोज़ पे जाना, एंड सेम पार्टिकल इफेक्ट को सिलेक्ट कर लेना, एंड इसके बाद जो है आपको इस प्रकार से ऐसे रोटेट करना है,
एंड इसको बड़ा कर देना है। बड़ा करने के बाद जो है फिर से आप लोगों को ब्लेंडिंग पे जाना है एंड इसको स्क्रीन सिलेक्ट कर लेना है, फिर राइट के पे क्लिक कर देना है एंड इसी प्रकार से आपको कर देना है एंड आप लोग का वीडियो जो है बन के रेडी हो जाएगा। सो आप लोग देख सकते हैं हम लोग का वीडियो जो है इस प्रकार से बन के रेडी हो चुका है। एंड इसको सेव करने के लिए आप लोग को ऊपर एरो के चिन्ह पर क्लिक करना होगा, यहाँ पर नीले एरो के चिन्ह पर, एंड आपको यहाँ एक्सपोर्ट पे क्लिक कर देना होगा। इतना करने के बाद जो है आप लोग का वीडियो बन के रेडी हो जाएगा। सो उम्मीद करता हूँ कि आज का ये जो वीडियो है आप लोग को पसंद आया होगा। सो वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड लव यू ऑल।